रिफर करते हैं क्वेश्चन नंबर 25, log x to the base 2 plus log x to the base 4 plus log x to the base 16 equals to 21/4. x का मतलब क्या है, what is the value? देखो यहां हम x का वैल्यू निकालना चाहते हैं, लेकिन ये जो वर्किंग रूल्स है उसको अप्लाई करने के लिए बेस सेम होने चाहिए, वो हमारा कार्य है, लेकिन बेस सेम नहीं है। अच्छा, तो हम इसको सेम बेस में कन्वर्ट करते हैं। आपको मालूम है बेस कैसे चेंज किया जाता है, तो सभी को मैं बेस 2 के बेस में कन्वर्ट कर लूं। चलिए, तो ये तो ऑलरेडी 2 के बेस में कन्वर्टेड है ही, तो इसको तो चेंज नहीं करेंगे। log x टू द बेस 2 प्लस log x अपॉन log 4 एट डिजायर बेस 2 मैंने लिखनी है, प्लस log x अपॉन log 16 डिजायर बेस 2, और आंसर में कोई चेंज नहीं होगा, 21/4। Therefore, log of x to the base 2 plus log of x to the base 2 upon ये 4 के लिए 2 square, तो मैं डायरेक्ट लिखूं 2 log 2 to the base 2। सेम वे log x to the base 2 upon ये 16 के लिए 2 raise to 4 है, तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं 4 log 2 to the base 2, और इसका आंसर है 21/4। तो ये समझो, इसको हम ऐसे सॉल्व करेंगे, log x टू द बेस 2 होल अपॉन 1 प्लस log x टू द बेस 2 अपॉन ये 2 बेस वैल्यू और बेस से मिले 1 हो जाएगा, तो इधर बचेगा 2 प्लस log x टू द बेस 2 और इसका आंसर होगा 4 इक्वल्स टू 21/4। अब LCM 4 हो गया, तो यहां 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 4 log x टू द बेस 2, 2 टू द 4, तो यहां होगा 2 log x टू द बेस 2 प्लस, यहां तो 4 डिनोमिनेटर में है ही, तो ये हो जाएगा log x टू द बेस 2 इक्वल्स टू 21/4। अच्छा, ये 4 भी कैंसिल, तो एक काम कर सकते हैं, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं 4 log x plus 2 log x plus 1 log x, 4 plus 2 5 plus 1 6 plus 1, it is 7 log x to the base 2 equals to 21। अच्छा, आप ये जो 7 है उसको डिवाइड करो, तो यहां 21/7 3 हो जाएगा, तो आप लिख सकते हो log of x to the base 2 is equal to 3। यहां से log रिमूव करना है, तो वो धक्का मारने वाला फॉर्मूला हम यूज करेंगे, तो क्या होगा, log निकलेगा तो 2 यहां से शिफ्ट ओके यहां चला जाएगा, तो आप लिख सकते हो x is equal to 2 raised to 3, therefore x is equal to 9। तो x equals to 9, आंसर क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 25 है, सॉरी 2 raised to 3, यहां गड़बड़ी है, इट इज 2 रेस टू 3 ए और ऑप्शन है ए। ओके ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए 26 क्वेश्चन, log a रेस टू 9 प्लस log a इक्वल्स टू 10, और वैल्यू पूछी है कि a का आंसर क्या था, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a। देखो, जब भी आपको log लिखा हुआ है तो कोई भी बेस नहीं है, तो हमको ये मान के चलना है कि बेस इज 10। चलिए इसको पहले सॉल्व करते हैं, जब जरूरत पड़ेगी मैं बेस इंट्रोड्यूस कर दूंगा। log a raised to 9 can be written as 9 log a plus log a equals to 10। अच्छा, कुछ भी नहीं लिखा है तो हम मान के चलेंगे कि बेस इज 10। 9 log a plus log a, इसको मैं ऐड करूं तो हो सकता है 10 log a of course to the base 10 equals to 10। अच्छा, ये 10 यहां डिवीजन में चला जाएगा, तो क्या बचेगा, log a to the base 10 equals to 1। अब आपको मालूम है कि बेस और वैल्यू सेम हो तभी आंसर 1 होगा, तो a का आंसर 10 है, आप इजीली डिटरमाइन कर सकते हो, या फिर आप यहां से log रिमूव करो और इसको धक्का मारो, तो a equals to 10 raise to 1, तो इसके हिसाब से भी आंसर होगा 10, और 10 कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन b है, तो आपका आंसर b। ओके,
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 31, लॉग ऑफ कुछ ब्रैकेट है टू द बेस 2, उसमें भी है ब्रैकेट में लॉग ऑफ टू द बेस टी लॉग ऑफ 32 टू द बेस 4 इक्वल्स टू 2, और क्वेश्चन है कि टी का वैल्यू क्या है। देखते हैं रूल के हिसाब से हम ये आउटर ब्रैकेट को तो डिस्टर्ब ही नहीं करेंगे, यहां पर जो है 1/2 है तो हम लिखेंगे log टू द बेस 1/2, उसको डिस्टर्ब नहीं करेंगे, ठीक है, और ये इक्वल टू 2 ऐसे मेंटेन करेंगे। यहां पर log ऑफ कोर्स टू द बेस t, अच्छा 32 के लिए हम लिख सकते हैं 32 क्या है 2^5 है, लेकिन हमको तो 4 के बेस में चाहिए, नहीं हो सकता, तो हम क्या करते हैं log ऑफ 2^5, और यहां 4 के लिए मैं लिख रहा हूं 2^2, तो बेस 4 कैन बी रिटन एज 2^2, तो एक काम हो गया, इसके लिए हम log ऑफ टू द बेस 1/2 log ऑफ टू द बेस t, ये जो बेस का पावर है वो मल्टीप्लाई करना हो तो कर सकते हैं, लेकिन उसका रेसिप्रोकल मतलब 1/2 log 2^5 to the base 2 equals to 2, यहां तक हमारे में। अब ये जो 5 है उसको मैं यहां मल्टीप्लाई करूंगा, तो ये हुआ log to the base 1/2 of log to the base t, यहां होगा 5/2 log 2 to the base 2 and that is equal to 2, ये तो 1 हो गया, तो हम यहां पर लिखेंगे log of log 5/2 to the base t equals to 2, यहां base है 1/2। अच्छा अब एक काम करते हैं, यहां से log remove करना है तो ये जो power है और ये जो base है वो यहां shift हो जाएगा, तो ये log को मैं remove करूंगा, तो log of 5/2 to the base t, ये 1/2 shift होके 1/2 टू द बेस टू द पावर 2 हो जाएगा, ये 2 को हम शिफ्ट करेंगे पावर, तो ये हुआ 1/4। इसको मैं आगे लिख रहा हूं, ध्यान से देखिए, log ऑफ 5/2 टू द बेस t इज इक्वल टू 1/4। अच्छा यहां से भी मुझे log रिमूव करना है तो t को यहां ट्रांसफर करेंगे, 1/4 पावर में चला जाएगा, तो 5/2 इक्वल्स टू टी रेस टू 1/4, मुझे टी इक्वल्स टू चाहिए तो पावर 1/4 को मैं रिमूव करूंगा ऑपोजिट साइड, तो आपको मालूम है हॉरिजॉन्टल ट्रांसफर के हिसाब से इसका रेसिप्रोकल लिखा जाएगा, मतलब 5/2 रेस टू 4 इक्वल्स टू टी, देयरफॉर टी इक्वल्स टू 5 रेस टू 4, 5 × 5 = 25 × 5 = 125 × 5 = 625 and 2^4 is 60, so answer d equals to 625/60, और ये कौन सा ऑप्शन है, ये है ऑप्शन सी, तो आपका आंसर है ऑप्शन सी। ओके देखिए 32 नंबर का क्वेश्चन, log of 2a - 3b equals to log a minus log b, और क्वेश्चन है कि what is the value of a, अब इसमें a का वैल्यू क्या होगा, चलिए इसको सॉल्व कर रहे हैं, log of 2a - 3b is equal, अच्छा ये log a minus log b को सबट्रैक्शन रूल के हिसाब से मैं लिख सकता हूं log a upon b, तो दोनों साइड लॉग है तो मैं रिमूव करके ऐसा लिख सकता हूं कि 2a - 3b इक्वल्स टू a अपॉन b। ओके मुझे a का वैल्यू चाहिए, b को मैं मल्टीप्लाई करता हूं यहां पर, तो ये हो जाएगा 2ab - 3b² = a। अब a को हम यहां ट्रांसफर करते हैं, 2ab - a equals to 3b², यहां से a कॉमन निकालते हैं तो 2b - 1
equals to 3b square. Therefore, a equals to 3b square upon 2b minus 1. ये कौन सा ऑप्शन है? ये ऑप्शन ए है. तो आपका ऑप्शन ए हुआ. आपको क्या करना है? अप टू 32 कंप्लीट करना है. ठीक है, आप स्टडी मटेरियल में से अप टू 32 क्वेश्चन जो हमने सॉल्व किए हैं वीडियो लेक्चर में, इसके अलावा जो बाकी बचे वो खुद आप सॉल्व कर सकते हो. थैंक यू वेरी मच.